हिमाचल प्रदेश में आखिर प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बुधवार से बारिश का इंतजार कर रहे थे। शाम ढलते ढलते मौसम ने एकदम से करवट बदली और देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए, तो वहीं शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की बौछार गिरने लगी। इससे तापमान में गिरावट तो आई, साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफ़ी राहत भी मिली। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से सूखे की स्थिति बनी हुई थी, गर्मी भी अपने पूरे चरम पर थी। तो वहीं भीषण गर्मी के कारण प्रदेश के कई जिले भी लू की चपेट में आ गए थे। तापमान का पारा सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे एक ओर जहां जल स्रोतों में पानी का स्तर कम हो गया था, वहीं कृषि और बागवानी पर भी इसका विपरीत असर पड़ना शुरू हो गया था। बारिश न होने के कारण सेब पर ड्रॉपिंग का खतरा बढ़ गया था। इससे किसान और बागवानों की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन आज प्रदेश में प्री मानसून के दस्तक देने से गर्मी और सूखे की स्थिति से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में 20 जून तक मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया था। इसे लेकर स्थिति पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई थी। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि मौसम में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, यह अगले 3 दिनों तक हिमाचल में अपना असर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।